नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का आज निधन हो गया। 82 साल के जसवंत सिंह पिछले 6 साल से बीमार थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी माने जाते थे। आज हम उन्हीं से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जब पीएम वाजपेयी के सामने कागज फेंक कर कमरे से तमतमाते हुए जसवंत सिंह बाहर निकल गए थे। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। बात साल 2002 की है, जब गुजरात दंगों से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस कदर दुखी और परेशान थे कि वो रात भर सो नहीं पाए थे। उनके मंत्रिमंडल सहयोगी और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने एनडीटीवी के शो वॉक द टॉक में उस घटना का जिक्र किया था। जसवंत सिंह ने बताया था कि वाजपेयी जी ने प्लेन में ही आडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी और गुजरात के हालात पर चर्चा की थी। तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की बात पर आडवाणी जी ने कहा था कि बवाल हो जाएगा। एनडीटीवी के साथ साल 2009 में हुई इस बातचीत में जसवंत सिंह ने कहा था कि पीएम वाजपेयी इस कदर व्यथित थे कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। जसवंत सिंह ने बताया कि दिन में मुझे तब के संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन का फोन आया। फोन पर उन्होंने कहा था कि जसवंत जी जल्दी आइए, संभालिए। मैं तुरंत पीएमओ पहुंचा, वहां पहुंचकर देखा कि वाजपेयी जी कमरे में हैं और उनके दो सचिव उनके साथ हैं। जसवंत सिंह ने बताया था कि मैंने तुरंत दोनों सचिवों को वहां से जाने को कहा। वो दोनों चले गए, देखा तो वाजपेयी जी अपने हाथ से कागज पर इस्तीफा लिख रहे थे। उनसे मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनका हाथ थाम लिया। जसवंत सिंह ने बताया था कि फिर दोनों नेताओं ने खूब बातें की और इस्तीफा फाड़ कर फेंक दिया। जब शेखर गुप्ता, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार थे उस समय, जब उन्होंने उनसे पूछा, यानी कि जसवंत सिंह से पूछा कि आखिर इस्तीफा किसने फाड़ा था, तो जसवंत सिंह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आज जब जसवंत सिंह का निधन हो गया, तब उनकी ये पुरानी बातें ताज़ा हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।